बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकड़िल.com.pk। नादरीन, पिछले कुछ अर्से से जो न्यूज़ चल रही थी कि टोयोटा वियोस पाकिस्तान में आ रही है, ईआरए से आ रही है, जिसके अकॉर्डिंग टू द टोयोटा के जो बेसिक वेरिएंट है, मीन XLi, GLi, 1.6 GLi, इनके लिमिटेड एडिशन भी आप लोग मार्केट में आजकल देख रहे हैं, इनके पीछे स्टिकर लगे हैं। इसका मतलब यही होता है कि पाकिस्तान के अंदर अब ये जो इनका स्टॉक है लिमिटेड एडिशन के अंदर है। मीन इसी तरह ही पहले XLi को जब इनका स्टॉक काफ़ी ज़्यादा था, इनको ऑटो गियर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। हालांकि इसके अंदर ना ABS दी गई, ना आपको पावर विंडोज़ दिए गए, जस्ट ऑटो गियर दे दिया गया। फिर इसके बाद लिमिटेड एडिशन का स्टिकर लग गया। फिर इसके बाद XLi, GLi दोनों वेरिएंट से भी आ गए। इस तरह आप जो है एक लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक आपके सामने आए हैं। वीकली अपडेट तो नहीं कह सकते, मीन इसके अंदर न्यूज़ है, साथ ही साथ इसके फीचर्स की भी बात होगी। टोयोटा यारिस जो है वो इंशाल्लाह आने वाले चंद सालों के अंदर, मीन 1 से 1.5 साल के अंदर आपके पास आ जाएगी। मीन 2018 के अंदर पहले इंडिया, थाईलैंड और बाकी तमाम ऑल ओवर द वर्ल्ड में टोयोटा यारिस इंट्रोड्यूस करा गई है। सबसे पहले मैं थोड़ी क्लियरिफिकेशन कर दूं यहाँ पे कि टोयोटा वियोस और टोयोटा यारिस और क्रोला XLi GLi का क्या न्यूज़ है। क्रोला XLi GLi काफ़ी अर्से से पाकिस्तान के अंदर जो है आपके सामने है। उसके बाद एक आई थी न्यूज़ कि टोयोटा वियोस जो है वो पाकिस्तान में आ रही है, मगर टोयोटा वियोस और टोयोटा यारिस जो होंगे इन दोनों के प्लेटफॉर्म सेम है, इनकी डायमेंशन सेम है, इनके स्पेक्स सेम है, इनकी डिज़ाइन सेम है, मगर सिर्फ जो एक फ़र्क आ रहा है जो वियोस की जो बिल्ड इन कॉस्ट है बहुत ज़्यादा पड़ती है। क्योंकि पिछले 1 साल के अंदर क्यों नहीं आई, फेसलिफ्ट क्यों लाया गया, फिर लिमिटेड एडिशन क्यों आया, उसकी वजह यह थी कि जब आपकी जो IMC जो है आपके उसके अकॉर्डिंग न्यूज़ के मुताबिक ये था कि जो आपकी कॉस्ट है उसकी टोयोटा वियोस की वो ज़्यादा हो रही है, आपकी रुपये की जो वैल्यू है वो डाउन हो गई थी, क्राइसिस हो गए थे, जिसकी वजह से टोयोटा वियोस नहीं आ सकी, इसलिए टोयोटा यारिस को लेके आ रहे हैं। टोयोटा यारिस जो है वो अपकमिंग 1.2 लीटर इंजन के साथ आएंगी। जी हाँ, आइंदा आने वाली तमाम गाड़ियाँ जो होंगी वो स्टार्टिंग उनका 1.2 से 1.5 1.6 इंजन तक होंगी। मगर जहाँ तक बात आती है ग्रैंडी की, ग्रैंडी 1.8 जो है वो भी चलेगी 2 साल बाद, जब टोयोटा यारिस पाकिस्तान में अपना यानी कि टाइम बना लेगी, पीरियड बनाएगी, उसके बाद उसका लिमिटेड एडिशन आएगा, उसके बाद ही टोयोटा जो ग्रैंडी वो आपकी चेंज हो जाएगी, उसको यारिस आएगी या वियोस आएगी। मगर ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसेंटली पिछले 1.5 महीने से पहले अमेरिका के अंदर भी टोयोटा क्रोला के नए मॉडल न्यू शेप मुतारिफ कराई गई हैं। हमारे पोर्टल पे भी आपने शायद एक न्यूज़ देखी होगी टोयोटा क्रोला की, तो इस तरह काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही है। मगर अभी भी इज टू अर्ली टू से हो जाएगा कि अभी भी कुछ टाइम पहले ही हम लोग ये न्यूज़ आप तक दे रहे हैं कि टोयोटा यारिस जो है वो आएगी। टोयोटा यारिस की एस्टिमेटेड प्राइस जो है वो जहाँ तक मेरे नॉलेज या मैं ये कह लूँ एक बंदे की अपनी एस्टिमेशन होती है, अगर आपकी क्रोला इस वक्त 21,80,000 या 21,08,000 से 50,000 तक के अंदर फॉल कर रही है, तो 22 लाख से 23 लाख की प्राइस ब्रैकेट में चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा बेस वेरियंट का, जबकि इंडिया के अंदर आपको पता है इसे कई वेरिएंट्स हैं, मगर क्योंकि इंडिया की कॉस्ट वैल्यू हमसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको हम यहाँ काउंट नहीं कर सकते। अगर टोयोटा यारिस के इंजन की मैं बात करूँ तो इसके अंदर जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इंजन चल रहा है वो 4 सिलेंडर है, 16 वैल्यू ड्यूल VVTi है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो इसके जो बेसिक वेरियंट के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर आएगा 1.2 लीटर से स्टार्ट होगा, मगर जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है वो 1496, मीन जो 1500 cc का इंजन है डिस्प्लेसमेंट होगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल मार्केट में 1300-1400 cc के इंजन बैन हो चुके हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर इंजन लो ही आएगा। फ्यूल सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन EFI होगा, फ्यूल टाइप गैसोलीन होगी, मैक्स पावर अगर 1500 cc की हम बात करें तो 79 kW 107 PS एट 6000 RPM देगा। मैक्स टॉर्क जो है 140 Nm एट 4200 Nm है। टोयोटा यारिस की अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड गियर्स की मैं बात करूँ तो इसके अंदर 6 गियर मैनुअल मुतारिफ कराए गए हैं, जो कि 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड जो है वो सुपर CVTi इंजन के साथ आएगा। अगर गाड़ी टोयोटा यारिस की डायमेंशन की आपसे बात की जाए तो इसके अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड जो डायमेंशन चल रही है वो लेंथ है 4.425 मीटर, वेट जो है 1.730 मीटर, हाइट है 1.495 मीटर, व्हील बेस जो है वो 2.550 मीटर, ग्रॉस वेट व्हीकल जो है 1580 kg है, फ्यूल टैंक वो 42 लीटर का है और बूट स्पेस जो है वो 476 लीटर के अंदर आता है। टोयोटा यारिस के अगर चंद एक फीचर्स की मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूं तो उसके अंदर जो है आपको ड्राइवर सीट हाइट कंट्रोल मिलती है, 60-40 रियर सीट जो है स्प्लिट मिलेंगी, क्रूज कंट्रोल है, पैडल शिफ्टिंग है, रेन सेंसर है, स्मार्ट एंट्री है, कीलेस एंट्री है, पुश एंड स्टार्ट बटन देगा, स्क्रीनिंग विद अ मल्टीमीडिया सिस्टम होगा, मीन मिरर स्क्रीन भी हो सकता है इसके अंदर, पावर विंडोज होंगी, इलेक्ट्रिक पावर स्टेयरिंग भी होगा। इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर भी हैं जो इस वक्त के करंट मॉडल क्रोला के अंदर भी चल रहे हैं। अगर मल्टीमीडिया सिस्टम की बात करें इंटीरियर के अंदर जाके तो 7 इंच का टच स्क्रीन विद अ गेस्चर कंट्रोल है, नेविगेशन होगा, ऑडियो कनेक्टिविटी जो होगा इसके अंदर प्लेयर का वो CD, MP3, FM, AM, USB, ऑक्सिलरी पोर्ट एंड द ब्लूटूथ होगा। अगर गाड़ी की ओवरऑल द लुक द एक्सटीरियर की अगर फीचर्स की मैं आपसे बात करूँ तो इसके अंदर जो आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED
रियर कम्बिनेशन लैंप्स होंगे, एलईडी डीआरएल होगा, ट्रंक टर्न इंडिकेटर होगा जो कि साइड मिरर के अंदर होगा, शार्प फिन एंटीना होगा, क्रोम डोर हैंडल्स विद क्रोम ग्रिल्स होंगी। टोयोटा यारिस की सस्पेंशन की जो जहाँ तक ताल्लुक है, सस्पेंशन जो है इसके अंदर वो क्लेम करती है फ्रंट मैक जो है स्टड विद स्टेबलाइजर है, रियर जो है वो बीम विद स्टेबलाइजर है। अगर इसकी हम ब्रेक्स की बात करें तो इसके अंदर जो है आपके अंदर डिस्क ब्रेक फ्रंट पे मिलेंगी और रियर में ड्रम मिलेंगी। कुछ वेरिएंट जैसे यहाँ पे जीएलआई था, इस तरह बेस वेरिएंट में आपको सिंपल ब्रेक्स ऑफर होंगी जिसका टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट होगा। मीन जैसे कि एक्सएलआई में अभी तक सिंपल ब्रेक्स हैं और जीएलआई के अंदर एबीएस आपको मुतारिफ कराई है। इस तरह इसके भी चंद एक वेरियंट होंगे जिनमें सिंपल ब्रेक्स होंगी और उससे अगले वेरियंट्स में जो है आपको ड्रम ब्रेक एबीएस ब्रेक्स मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि आने वाली जितनी भी टोयोटा यारिस होंगी जो पाकिस्तान के अंदर जो बेस वेरिएंट है उसके भी अच्छे फीचर्स हों जो कि अपकमिंग जो हाई वेरिएंट पे गाड़ी उनके साथ। अगर इसके टायर साइज की बात करें तो इसके अंदर जो टायर साइज है वो आपको 185/60 R15 मीन 185 हाइट 60 उसकी वेट होगी और R15 इसके अंदर 15 इंच के अलॉय व्हील होंगे। जहां तक टोयोटा यारिस की सेफ्टी की फीचर सेफ्टी की बात की तो इसके अंदर आपको जो ऑल ओवर द वर्ल्ड 7 एयरबैग्स मिलते हैं, 2 सामने फ्रंट सीट पे, 2 नीज में, 2 आपके शोल्डर्स में भी। हिल असिस्ट कंट्रोल मिलता है, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल मिलता है, ब्रेक्स जहाँ तक हैं वो ABS EBD मिलता है, पार्किंग सेंसर है, बैक कैमरा है, ऑटो हेड लैम्प्स हैं, फॉग लैम्प्स हैं, डिफॉगर है, स्पीड सेंसिंग है, ऑटो डोर लॉक्स हैं, सेंटर लॉकिंग है और इमोबिलाइजर है। उम्मीद करते हैं कि आने वाली जितनी भी टोयोटा यारिस होंगी पाकिस्तान के अंदर उनके अंदर हाई फीचर जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, अगर उन लोगों को भी इंसान सुन रहा था तो हमारे यहाँ भी कैपेसिटी है। जहाँ तक आपने 21-22 लाख की गाड़ी आपने देनी है, अगर XLI की अगर बात करें तो 22 लाख की अगर गाड़ी वो पड़ती है वो कागज़ करा के भी, तो उसके अंदर अभी तक आपको ABS ब्रेकिंग है, सिंपल ब्रेकिंग मिलती है, साइड में अभी भी जो उसके शीशे हैं वो हाथ से खोलने पड़ते हैं। जहाँ तक हम द लेजेंडरी कार द बॉस को भी क्लेम करते हैं, यानी कि 9 लाख की गाड़ी के अंदर भी शीशे हाथ आ लें, ब्रेक अच्छी नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल के XLI में भी तनकीद करनी चाहिए। XLI के अंदर भी आपको जो है अभी तक 22 लाख के अंदर जो है वो आपको सिंपल ब्रेक्स मिलती हैं, साइड मिरर जो है वो चारों शीशे आपको हाथ से खोलने पड़ते हैं, उसके जहाँ तक ABS ब्रेकिंग नहीं है। ठीक है ऑटो गियर दे दिया, मगर एटलीस्ट आप अगर ऑटो गियर दिया ABS तो दे दें, अगर ABS नहीं तो साइड मिरर जो है वो पावर दे दें। तो उम्मीद करते हैं आने वाले जितनी भी टोयोटा यारिस हैं वो किसी भी ऐसे फीचर से महरूम ना हो जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलती और उन तमाम इंसानी हकूक की जो है वो उनको जरूरत होती है, मेन जिससे इंसानी जान तो महफूज रहे, कम से कम ऐसे सिक्योरिटी फीचर ऐसे सेफ्टी फीचर्स तो हो कि आपने पैसे दिए और आपको कीमत मिले। किसी भी किस्म की कंपनी की जो है वो मैं एक फेवर की बात नहीं करूंगा, ऑल ओवर द फीचर्स और द स्पेक्स और इंसानी हकूक की बात करूंगा। तो नाज़रीन ये था टोयोटा यारिस की न्यूज़ और इसके सम ऐसे जो है वो पॉइंट आउट फीचर्स जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है। इंशाल्लाह जैसे इसकी कोई ऑथेंटिक न्यूज़ हमें मिलेगी पाकिस्तान के अंदर कब इसकी लॉन्चिंग है कब अनवीलिंग है वो न्यूज़ हम सबसे पहले आपको तक लेके आएंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पार्क डील ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हम तक कोई बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं या किसी भी चीज़ का रिव्यू हमसे गाड़ी का लेना चाहते हैं या किसी ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड की न्यूज़ पूछना चाहते हैं या कोई टॉपिक डिसाइड करना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में, हमें मैसेज में, हमारे फॉरम्स में जाएं, हमें कॉन्टैक्ट करें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इसी के साथ आप parkdeal.com.pk पूरी दुनिया में लॉन्च कर दीजिए। किसी किस्म का भी आपने चीज़ बेचनी है खरीदनी है उसके ऐड लगाएं, डील बनाएं, हर किस्म की डील ओनली ऑन पार्क डील। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।